मैंने ये कहा है कि अश्वनी उपाध्याय के यहाँ नियोग होता है, अगर किसी औरत को बच्चा ना हो तो देवर के यहाँ भेज देता है, भाई बड़ा भाई छोटे भाई को इस तरह की भाषा पर शर्मा नहीं चाहिए? माफी मांगना चाहिए इस बदतमीज को, किसने ये तुम्हारे को लगता है कि धार्मिक गुरु आई नहीं है? साजिद रशीदी आप क्या बोल रहे हैं? ये अधर्मी आदमी है, पूरे हिंदुओं की बात कर रहा है ये। सपोर्ट करेंगे बदतमीज, हमारे यहाँ तो जो कुरीतियाँ हमने खुद ही खत्म कर लिया। नहीं कर सकते तो आप किसी के घर पे पहुंच जाते हैं, आप औरतों पे पहुंच जाते हैं। शर्म की बात, पर्सनल एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं साजिद रशीदी? आप किसी के ऊपर पर्सनल एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं? इस्लाम की जानकारी नहीं है? अरे आपके घर में आप एक सेकंड अश्वनी उपाध्याय, वन सेकंड, आपने साजिद रशीदी समाज के लोगों को बिठा दिया, इनको इस्लाम की जानकारी नहीं है। साजिद रशीदी गलत अश्विनी उपाध्याय से आप इस बात के लिए खेद प्रकट करें कि आपने उन्हें पर्सनली गलत बात कही है। कुरान की आयतें गलत पढ़ रहे हो। एक सुप्रीम कोर्ट के वकील के नाते बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में मामला कई बार आ चुका है, जब जब आया। सवाल केवल यह है कि ये भारत कुरान से चलेगा, वेद से चलेगा, रामायण से चलेगा, भगवत गीता से चलेगा, बाइबल से चलेगा, संविधान से चलेगा? बड़ी सीरियस बात, एक मिनट सुन लीजिए। आर्टिकल 24 आप लोग 25 को प्लीज कैन यू प्लीज एलोबरेट 24 एंड 25। हाँ, 25 पे बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, yes. आपका ऐसा कोई भी रीत रिवाज कस्टम या कोई भी प्रथा या कुप्रथा अगर वो पब्लिक हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और किसी के डिग्निटी के खिलाफ है तो वो आपकी प्रथा नहीं मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन करेगा। इसी बात को लेके 3 तलाक स्ट्रक डाउन हो चुका है, इसी बात को लेके हलाला भी जाएगा, इसी बात को लेके पॉलीगेमी भी जाएगा। अब एक सवाल, हलाला जाएगा क्या? हलाला ऑलरेडी रेप के अंडर आ जाएगा। अभी आप किसी भी विक्टिम को लाइए, फलाही साहब इससे पहले आप बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, 2 मिनट सुन लीजिए प्लीज, आप कंप्लीट कर। अभी फलाही साहब आप कह रहे थे, मैं आपका स्वागत करता हूँ, जो आपने कहा कि नहीं आईपीसी तो सबके ऊपर लागू होगा, लेकिन यही तो दिक्कत है। पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि 511 जो सेक्शन है आईपीसी के, उसमें हमें 509 तो कबूल है, 2 कबूल नहीं है क्या? थ्री, एक मिनट प्लीज, स्टक डाउन कर रहा है ना, ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए। ये कहते हैं हमें 494 कबूल नहीं है, जो पॉलीगेमी को 7 साल की सजा देता है, और कहते हैं हमको हलाला भी कबूल नहीं है, जो कहता है 7 साल की सजा होगी, जो बलात्कार है। हमने यही तो सुप्रीम कोर्ट में मांग किया है। नहीं, हमने एक प्लीज, आप पूरे देश को मिसगाइड कर रहे हैं। विवेक जी मुझे आंसर आपको नहीं पता, इनको आंसर आप भाई साहब धर्म गुरु हैं, कम से कम संविधान जानकारी नहीं पता है ना आपको? आईपीसी नहीं पता, एक बार सुन लीजिए, आपको आईपीसी नहीं पता, वेट कर रहे हैं। पॉलीगेमी अंडर 494 सेक्शन आईपीसी क्लब कर रहे हैं, ये आप कर रहे हैं, नहीं नहीं आप क्लब कर रहे हैं, वो पिटीशन डाला हुआ है एक मिनट, और हलाला 375 हलाला 375 में बलात्कार है। जब भी हलाला आप हलाला को देख लीजिए उसका तरीका वो बलात्कार है, ठीक है? ऐसे पॉलीगैमी ऑलरेडी एक, मुझे एक सवाल, एक सवाल नहीं, मैं आप जैदी साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, जैदी साहब के 40 मिनट देश घूम रहा हो रहा है। भारत सेकुलर कंट्री है, ये वेद कुरान रामायण कुरान से नहीं चलेगा, भारत सेकुलर कंट्री है, वेद कुरान गीता रामायण से चलेगा। अभी कोई औरत आके कहती है आपसे कि मेरे साथ हलाला हुआ है, तो क्या उसके ऊपर जिस मर्द ने उसके साथ हलाला किया है वो रेप के अंडर में जाएगा? बिल्कुल जाएगा, रेप के अंडर जाएगा। फिर आपको बैन की कहा? वही तो नहीं मान रहे, पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं मान रहा भैया, आपका पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं मान रहा है क्या? आपके समझ आ रहा है किस चीज को डिफेंड किया जा रहा है यहाँ पर? जी जी, हलाला को किस आधार पर डिफेंड किया जा रहा है? विवेक जी, ये आप इसे ऐसे समझ लीजिए, महाभारत में आपने सुना होगा अश्वत्थामा मारा गया, ये नहीं बताया कि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा था या हाथी, वो शिलो बता दिया। जो ये बता रहा है वही बात है, एक कुरान की व्याख्या करके 73 फिरके बन जाते हैं। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छा। उर्स कुरान की फिर व्याख्या हो रही है। साजिद रशीदी साहब जैसे मौलवी अब तक जिस हलाला को, वर्तमान हलाला को समर्थन देते थे, अब उसे नहीं देंगे। अब हलाला की कौन सी नई परिभाषा ये लोग घड़ेंगे? वही अश्वत्थामा वाली, क्या अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन कौन सा अश्वत्थामा वो नहीं बताया। तो ये भ्रम फैलाने वाली बात है। कुरान के अंदर हलाला नाम का शब्द नहीं है, हलाल है या हराम है। और जिस कुरान को मैंने कल कहा था, जिस जिक्र को कहा था, अलिफ लाम मीम ला रहबा, अलिफ लाम मीम जालिकल किताबा ला रहबा फी हुदन लिल मुत्तकीन, ये जो कुरान है, ये जो जिक्र है, ये ला रहब है, इसके अंदर कोई ऐब नहीं, और ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है।
साजिशकर्ताओं के लिए नहीं है, नफरत फैलाने वालों के लिए नहीं है, जो आज तक एक साथ तीन तलाक का समर्थन करते आ रहे हैं। मेरा एक सवाल है जी, तलाक मर्द देता है, औरत नहीं देती है, तो सजा मर्द को होनी चाहिए, औरत को क्यों? साजिद रशीदी, बहुत अच्छा, साजिद रशीदी, साजिद रशीदी जी, तीन तलाक मर्द प्रैक्टिस करते हैं तो हलाला महिलाओं का क्यों होना चाहिए? गुनाह तो उसी गुनाह जो करे सजा तो उसी को होनी चाहिए। बताइए, जब हम इसको सिरे से, मेरी बात सुनिए, जब हम इसको सिरे से नकार रहे हैं कि ये आज का जो मौजूदा हलाला है इसको नहीं मानता तो कोई भी, इस पर रेप केस लगना चाहिए, तो बार बार इस पर डिबेट क्यों होती है भाई? एक बार बता दीजिए हलाला कितने तरीके होते हैं, इसको बाकायदा थोपा भी जाता है हमारे ऊपर कुरान के अंदर हलाला है। अरे हिंदू समाज में नियोग चलता है, ये अश्वनी उपाध्याय बैठे हैं, इनके घरों में नियोग होता है, अगर बच्चा पैदा नहीं होता देवर के पास उसको भेज दिया जाता है, क्या वो रेप करते हैं? अश्वनी उपाध्याय की यहाँ औरत के बच्चा पैदा ना हो तो देवर को भेज दिया जाता है, क्या ये रेप नहीं है? हलाला, बहुई हलाला या सिंगलर हलाला, बल्कि हलाला, हलाला कितने तरीके के होते बता दीजिए। यानी अपनी औरतों पर रेप करवाएं और हमारी औरतों की फिक्र करें? अरे अपनी औरतों की फिक्र करो, ये बता दीजिए हलाला रेप है? आप जो बच्चा ना होने पे रेप करवाते हो उसकी फिक्र करो? एक सेकंड, साजिद रशीदी ने कुछ मैंने ये कहा है कि अश्वनी उपाध्याय के यहाँ नियोग होता है, अगर किसी औरत को बच्चा ना हो तो देवर के यहाँ भेज देता है, भाई बड़ा भाई छोटा भाई को इस तरह के, इस तरह की भाषा पर शर्मानी चाहिए या माफी मांगना चाहिए इस बदतमीज को? किसने ये तुम्हारे को लगता है कि धार्मिक गुरु है ही नहीं है? साजिद रशीदी आप क्या बोल रहे हैं? ये अधर्मी आदमी है, पूरे हिंदुओं की बात कर रहा है ये, सपोर्ट करेंगे बदतमीज? हमारे यहाँ तो जो कुरीति हमने खुद ही खत्म कर लिया। नहीं कर सकते तो आप किसी के घर पे पहुंच जाते हैं, आप औरतों पे पहुंच जाते हैं, आप पर्सनल एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं? साजिद रशीदी आप किसी के ऊपर पर्सनल एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं? इस्लाम की जानकारी नहीं है? अरे आपके घर में आपने साजिद रशीदी समाज के लोगों को बिठा दिया, इनको इस्लाम की जानकारी नहीं है? साजिद रशीदी साजिद रशीदी अश्विनी उपाध्याय से आप इस बात के लिए खेद प्रकट करें कि आपने उन्हें पर्सनली गलत बात कही है। कुरान की आयतें गलत पढ़ रहे हो आप। साजिद रशीदी अश्विनी उपाध्याय से आप अश्विनी उपाध्याय से खेद प्रकट करें पहले। नहीं रशीदी साहब, आप मुझे कह रहे हैं? साजिद रशीदी, आपने पर्सनल एलिगेशन लगाया है एक मेहमान के ऊपर। पहले अश्वनी उपाध्याय, देश का कल्चर ये नहीं सिखाता है, कोर्ट जाएंगे, इस देश का कल्चर ये नहीं सिखाता है। पहले अश्वनी उपाध्याय या सामाजिक, पहले बोले अश्वनी उपाध्याय है, या कुप्रथाओं पर बहस हो रही है? अश्वनी उपाध्याय बोले या हम इस कुप्रथा के खिलाफ जो हिंदू समाज है कोर्ट जाएंगे? इसकी जाती रही है, जाते बैठ हो रही है। साजिद रशीदी मुसलमान होते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? विवेक, आप एक पर्सनल एलिगेशन लगा रहे हैं, सामान को लगा दो आपको, जरा सा भी ज्ञान बोलने की तमीज है आपको? साजिद रशीदी बोलने की तमीज है आपको? किसने एंकर बना दिया आपको? साजिद रशीदी लीव माय डिबेट, बकवास कर रहे हो, यू कैन लीव माय डिबेट। अरे इस बदतमीज, बकवास कर रहे हो आप, ऐसे बातें करते हैं? आवाज नीचे करो, गेस्ट के साथ एंकर को ऐसे बातें? आवाज नीचे करो, शरत आवाज नीचे करो, तुम बात करने की तमीज नहीं है, बात करने की तमीज नहीं है, बात करने की तमीज नहीं है, आप इनको डिस्कनेक्ट कर, बात करने की तमीज नहीं है, ये हटाइए बेच से, खुले चैनल में क्या हटाइए इनको डिबेट से, भाषा को इतना ब्लैकआउट कीजिए, लीव माय डिबेट, इसीलिए हलाला डिफेंड कर रही है, कुरान मेंटेन रहना, ये हलाला को क्यों डिफेंड कर रही है? वेट, साजिद रशीदी को डिबेट से हटा दिया गया और अश्विनी उपाध्याय पर जो पर्सनल एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं वो बिल्कुल गलत है और हिंदुस्तान उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता है। चलिए असद खान फलाई क्या